अपने ब्लॉक को अलग पहचान दिलाने के लिए भगवान भृगु के नाम से भृगु द्वार का निर्माण कराया है। 100 से अधिक अपने निधि से रोड और नालियों का निर्माण कराया। मेरे भिटौरा से बड़ा कोई टूरिज्म है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फतेहपुर हब में। और आज हम आ गए हैं भिटौरा ब्लॉक में और हमारे साथ हैं भिटौरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और फतेहपुर जिले के लोकप्रिय नेता अमित तिवारी जी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जी, आपने राजनीति में सबसे पहले कदम कब रखा था? राजनीति में तो सन 2021 में रखा हूँ, इसके पहले समाज सेवा में निरंतर मैं बना रहता हूँ। आप किस तरह से राजनीति को देखते हैं? मैं राजनीति को सकारात्मक नजरिए से देखता हूँ और इसको सेवा भाव के रूप में जितना भी हो सकता है मैं एक सेवा भाव के रूप में करने का प्रयास करता हूँ। भैया जी, आप राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मैं राजनीतिक गुरु अगर उस तरह से देखे तो जब से मैं होश संभारा हूँ, जब से मेरे बचपन से, चाहे भाषण के माध्यम से हो, चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे रैली के माध्यम से हो, अगर मैंने देखा है तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर वो क्षमता देखी है, वो नेतृत्व तो देखा है, वो नेतृत्व तो करता देखा है। मैं तो अगर यही कहूंगा कि अगर अपना गुरु आज वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो आज इस तरह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अपना विजय पटाखा फहरा रही है तो सच में उनका सपना आज साकार हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं अगर राजनीतिक गुरु कहें, आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को ही मानूंगा। तो आपका क्या रवैया रहता है जब आपसे आम जनता लोग मिलने आते हैं, तो आपका रवैया किस तरह का रहता है? मैं आम जनता से एक पारिवारिक लगाव की तरीके कि मतलब परिवार से किस तरह से, जिस तरह से मिला जाता है उसी तरह से मैं प्रयास करता हूँ मिलूं और उनकी जितनी मदद कर सकूं वो कम है, क्योंकि मेरा एक प्रयास है कि मेरे पास कोई आए तो निराश होकर ना लौटे। भैया एक सवाल और है कि जब ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले आपका जीवन कैसा था और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद कैसा जीवन है? ब्लॉक प्रमुख बनने के पहले और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद में एक परिवर्तन आया है। पहले मैं ज्यादातर व्यवसाय में समय देता था, जो समय मिलता था परिवार को और समाज सेवा में लगाता था, लेकिन अब ब्लॉक को ही परिवार मानकर ज्यादातर प्रयास करता हूं कि अपने ब्लॉक के अंतर्गत कार्य क्षेत्रों में रहूं और जनता की सेवा और उनका जो भी उनके दुख दर्द है आपस में बांटने का। ब्लॉक प्रमुख के पद में रह करके अपने क्षेत्र में प्रमुख कार्य क्या किए हैं अभी तक? 100 से अधिक अपने निधि से रोड और नालियों का निर्माण कराया। मैंने अपने निधि से अपने ब्लॉक को अलग पहचान दिलाने के लिए भगवान भृगु के नाम से भृगु द्वार का निर्माण कराया है, जो कि अपने भिटौरा को अलग एक पहचान देता है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए खेल कूद के क्षेत्र में आपने क्या क्या किया और क्या करने की सोच रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में हमारे करीब 30 से 40 ग्राम सभाओं में खेल कूद के मैदान बन रहे हैं, कुछ में निर्माण चालू है, कुछ बनकर तैयार हो गए हैं। और मैं प्रयास ये करता हूँ क्षेत्र के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनमें पहुँचने का प्रयास करता हूँ और बच्चों का प्रोत्साहन करता हूँ कि अच्छा खेलें और खेलने के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उसके साथ अपने ब्लॉक का और अपने जिले का नाम रोशन करें। मैं यही प्रयास करता हूं कि जितने बच्चों की जो भी टीमें चल रही हैं मैं उन बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहता हूं। भैया अभी ब्लॉक प्रमुख के पद में है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया है? तो मुझे अगर यहाँ तक पहुँचाने में योगदान रहा है तो मेरे बड़े भाई संतोष तिवारी जी का रहा है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का, जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसी के उपरांत तो मेरे समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी योगदान काफी रहा है, जिन्होंने मुझे मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इस पद पे नवाजा। मैं सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। भैया राजनीति में आप भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? भविष्य में अपने आप को ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। अगर
पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है, तो वैसे तो कार्य बहुत भारतीय जनता पार्टी ने जनपद में किया है, चाहे मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपका रोजगार के क्षेत्र में हो, कार्य गिनाना भारतीय जनता पार्टी के कठिन है। अगर मुझे भविष्य में आपने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मेरा सर्वप्रथम यही प्रयास रहेगा जो अपना जनपद फतेहपुर कानपुर और इलाहाबाद के बीच से जाना जाता है, इसको मैं अपनी एक अलग पहचान बताने का प्रयास करूंगा और अपना जनपद अपना गौरव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, अपना जिला अपने नाम से जाना जाएगा। जी, आपके ब्लॉक में सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी और उनका समाधान कैसे करते हैं? समस्याएं बहुत थी और बहुत हैं। हमने जो प्रयास किया है सभी प्रधानों को, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, जो भी काम करते हैं हम लोग मिलजुल कर करते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, चाहे नाली की दिक्कत हो, चाहे रोड की दिक्कत हो, देखिए समस्याएं बहुत हैं, लेकिन प्रयास यही रहता है मेरा कि हम उसको मिलजुल कर अगर दूर करेंगे तो सभी के सहयोग से जल्दी दूर होगी। और आगे भी जिस प्रकार की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी इनकी योजनाएं चलती हैं, उस पे हम जनता के बीच हमेशा पहुंचकर उन योजनाओं को बताते हैं और लोगों को जोड़ते हैं उन योजनाओं से, चाहे पंचायत सचिव के माध्यम से हो, चाहे बीडीओ के माध्यम से हो, उन योजनाओं का लाभ जो भी है हमारे क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए। अब इस पे जागरूक करने की जरूरत रहती है जनता को, उसी का मैं प्रयास करता हूं और उनको एक दूसरे से मिलकर प्रयास करते हैं कि सभी खुश रहे, सभी खुशहाल रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो अभी भारत सरकार चला रही है, तो इसमें आपका क्या योगदान रहा है? विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। अगर इस योजना को गांव के सभी नागरिक पूर्णतया से समझ गए हो, तो इस योजनाओं से सभी लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। माननीय मोदी जी की जो सोच थी कि कोई छूटा न रहे, उसी को जोड़ते हुए मैंने यही प्रयास किया है, सभी गांव पहुंचने का प्रयास किया सर्वप्रथम। जिन गांव में नहीं पहुंचा हूं, तो चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन्होंने भी जागरूक किया है कि आप लोग इन योजनाओं को लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाएं और सरकार की योजनाएं आती रहेंगी, उनको भी समझें और उनकी योजनाओं से जुड़े। भैया, आप फतेहपुर के टूरिज्म के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे भिटौरा से बड़ा कोई टूरिज्म है ही नहीं। जी जी, बिल्कुल सही। जो भगवान भृगु की तपोस्थली रही हो, इससे बड़ा तप भूमि जो है, इससे बड़ा टूरिज्म हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे बड़े भाई IAS आलोक पांडे जी ने जो गंगा माँ का मंदिर बनवाने जा रहे हैं, वो सच में बहुत बड़ा विशाल रूप लेगा जब बनकर तैयार हो जाएगा। आइए मैं आपको उत्तर वाहिनी गंगा माँ के साक्षात दर्शन कराता हूँ। यहाँ के जो भगवान भृगु की तपोस्थली है, इसकी महिमा को समझें और यहाँ के बारे में समझें, अपने परिवार को, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आएं और देखें। हम बचपन से याद है कि हर अमावस्या को यहाँ भीड़ लगती चली आती है, हम लोग गंगा नहाते हैं। और इसी को बढ़ावा अगर सरकार भी दे रही है, जिस हिसाब से हमारे गंगा पुल बन रहा है रायपुर से इस पार से उस पार का, तो आगे भी विस्तार होना है। इससे बड़ा विस्तार अब कुछ भी नहीं हो सकता हमारे फतेहपुर जनपद में, भिटौरा से बढ़कर कुछ भी है ही नहीं। मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय योगी जी जो प्रदेश का नेतृत्व तो कर रहे हैं, उन्होंने फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या रख दिया है, मेरी अगर उनसे मुलाकात होगी व्यक्तिगत, अपनी राय यही प्रकट करूंगा, अपने मैं लेटर हेड पे जल्द ही देने वाला हूं कि फतेहपुर का नाम बदल कर भृगु धाम कर देना चाहिए। स्वागत है आप सभी का उत्तर वाहिनी गंगा ओम घाट में। तो आइए भैया जी से जानते हैं। भिटौरा उत्तर वाहिनी हरिद्वार के बाद ये दूसरा स्थान है जो उत्तर वाहिनी गंगा जी बह रही है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ के बारे में
अपने बच्चों को बताने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही कल उनको यहाँ की महिमा जरूर बताएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार टूरिज्म का बढ़ावा दे रही है, भिटौरा का घाट निर्माण होने वाला है बहुत जल्द, आपका एक नया घाट बनने वाला है, मैंने भी प्रयास किया है माननीय आलोक पांडे जी के साथ मिलकर, मैं लखनऊ में नवाब गंगे के जो इसके सचिव हैं उनसे भी मिला हूँ और इसके बारे में भी डिस्कस हुई है, उन्होंने भी कहा है, और इसके पहले भी जो उप सचिव थे आलोक रंजन जी उन्होंने भी ओम घाट को बढ़ावा दिया, और आपका एक घाट जो पुल बन रहा है जो रायबरेली से और फतेहपुर को जोड़ रहा है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इसको जोड़ने के लिए। अब दिक्कत क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को बताते नहीं है, उनको जो दूर है उसके बारे में ज्यादा बताते हैं, आपके पास क्या है उसको बताइए, आपको उसके धरोहर समझकर उसके हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया, आपने जनपद में जैसे पावनी इमली है उसके बारे में कोई नहीं बताता है और बाहर की चीजें देख के चले आते, हमको पहले घर में देखना है, बाहर देखना है, अपने क्षेत्र में देखना है, अपने जनपद में देखना है। उसी प्रकार भिटौरा एक बहुत ही आने वाले समय में तीर्थ स्थान बनकर तैयार होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की जो सोच है टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, वो निश्चय ही भिटौरा को भी एक दिन बहुत बड़ा टूरिज्म घोषित हो सकता है। भैया आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से और आप जैसे युवाओं के माध्यम से मेरा यही कहना, सरकार की जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी लोग ज्यादा ज्यादा उठाएं जो जरूरतमंद है, और जिनको आवश्यकता नहीं है, मैं देखता हूं कि कार्ड धारक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आवश्यकता नहीं है खाद्यान्न की, वो भी लाभ ले रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि अगर वो सक्षम है वो समर्थवान है तो अपने कार्ड से नाम कटवा ले और जो जरूरतमंद है उनका नाम जुड़वा दे, और जो भी युवा साथी है वो सरकार की योजनाओं का समझें और अपने परिवार को बताएं, और सभी नारी शक्तियों से मेरा एक निवेदन है कि मातृ शक्तियों को कि अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जरूर लाएं, उनको काम देखता हूं मैं गांव में कि कुछ लोग भट्ठे में लिबराई में भेज देते हैं, कुछ लोग इधर उधर काम में भेज देते हैं, तो मेरा हाथ छोड़कर अपील है कि आपका बच्चा ही आपका भविष्य है और उसी के अंदर आपकी प्रॉपर्टी छुपी है, आपकी धरोहर छुपी है, अगर वो शिक्षित होगा तो आपकी पीढ़ी शिक्षित होगी। भैया आपका धन्यवाद कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप जैसे युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना भी हो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से सभी युवाओं को अच्छी सकारात्मक सोच दें और अच्छी शिक्षा दें। धन्यवाद धन्यवाद।